सरूरी साहब क्या कहेंगे आपने आज मस्जिद में भी इमोशनल तकरीर की 370 को हटाए जाने पर, तो क्या बोलेंगे नौजवानों को? ताल्लुक है पूरी रियासत के लोग, इससे कबल जब असम्बली कॉन्स्टिट्यूट थी उस वक्त भी और उस वक्त के आज तक लोगों की ये राय थी, लोगों की ये गुजारिश थी, लोगों की हमा थी कि 370 हटाया नहीं जाना चाहिए, 35 से हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे राइट्स हैं और क्योंकि इससे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था। एक तो इन दोनों मुद्दों को हटाया गया, एक्ट को हटाया गया और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया और लद्दाख को अलग बनाया गया, अलग यूटी के साथ इंडिया के साथ रखा गया। मगर उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, उम्मीद है कि वहां कानूनी तौर पे हमें पूरी सपोर्ट मिलेगी और हम कामयाब हो जाएंगे। आपको मालूम है कि जिस तरह पार्लियामेंट में आज़ाद साहब और हमारी रियासत के लीडरों ने जगह जगह ये आवाज़ उठाई, वही आवाज़ हम इस चुनाव वैली से और पूरी रियासत से, जम्मू कश्मीर से, पीर पंजाल से और सुबह जम्मू से उठाते हैं कि 370 को उठाना, 35 को ख़त्म करना, यूटी बनाना, डिलिमिटेशन करना, यहाँ की डायनेस्टी को चेंज करना, ये हमें कबूल नहीं है। इसलिए रेजोल्यूशन पास हुआ। अब हम चाहते हैं कि ये डीसी को दे के ऊपर हाईकमांड को दे ताकि इस पर पूरी रियासत जो चाहती है वो अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ असम्बली ख़त्म की गई, उसके बाद गवर्नर राज लाया गया, जबकि ये कानून था कि कॉन्स्टिट्यूट असम्बली जो है वो जब पास करेगी तब जाके पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। डेमोक्रेसी का कत्ल है, ये डेमोक्रेसी कहाँ रही, ये जमहूरियत कहाँ रही, ये कानून कहाँ रहा? आपने नौजवानों से अपील की ना वो प्रोटेस्ट करें ना वो गुजारिश की, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे, अमन कायम रखेंगे, यहाँ भाईचारा रखेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मगर कानूनी तौर पे हद से भी ज्यादा जहां पे भी मुमकिन हो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हम तैयार हैं।